और देख सकते हो गाइस फाइनली अपना नंबर। ओए लसू लसू गाइस फाइनली हमारा बाइक का नंबर आ चुका है। याहू डांस 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 आज तो नंबर आ गया रे लहे, नंबर आ चुका है गाइस। शो यस यस यस। हम लोग ऐसा ही नॉर्थ सिटी के लिए सोच रहे हैं, नॉर्थ सिटी में राइड हम लोग जल्दी ही करने वाले हैं। बाइक है तो ऐसा ही कॉन्टेक्ट करना, हम लोग साथ में मिलके घूमने के लिए जाएंगे नॉर्थ सिटी और उसके बाद में दार्जिलिंग भी हमने सोच रखा है। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। और आज का इस व्लॉग काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मेरे बाइक का नंबर फाइनली आ गया है। गाइस फाइनली मेरा बाइक का नंबर आ चुका है, इसीलिए मैं अभी यहाँ रूम से फटाफट से तैयार होकर निकल रहा हूँ सीधा यहाँ से गैराज की ओर, ताकि वहाँ पर जाके फटाफट से अपना बाइक का नंबर लगाना है। मैं ऐसा काम है ना बिल्कुल भी देरी करना नहीं चाहता, क्योंकि श्री रावण जी ने कहा था अच्छे काम के लिए बिल्कुल भी देरी नहीं। इसीलिए मेरा यहाँ पर पूरा का पूरा देख सकते कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए, और देख सकते आज मुझे काफी ज्यादा बाइक बनाना है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या क्या बनवाना है पूरा का पूरा लिस्ट लेके चल रहा हूँ मैं। और उसके बाद मुझे आज बाइक बनाने के बाद में मुझे जाना है मामा घर, और आप लोग भी व्लॉग देखते रहना मेरा किस तरह का मामा है, कैसा मामा है, कहाँ पर रहता है, क्या करता है, वो मैं आप लोगों को फुल्ली इस वाले व्लॉग में बताऊंगा। और आज मेरा नंबर आ चुका है, बड़ी बात तो यही है। फिलहाल फटाफट रेडी होते हैं और निकल दे गाइस बिना किसी बकचोदी के। चलो पहले सोच रहे थे कि मैं ये वाले बैग लेके चलूं, और ये तो मुझे लेके जाना ही है, और मैंने अभी ये बैग कैंसिल कर दिया क्योंकि ये बैग लेके जाना था मैं अपने डॉक्यूमेंट्स लगा के लेके जाने के लिए। फिलहाल यहाँ पर देख सकते हो मेरा डॉक्यूमेंट्स अपना जैकेट पे ही जा रहा है, देख सकते हो यहाँ पर डॉक्यूमेंट पूरा का पूरा आ चुका है। देखो अभी अपना पंटू का ऐसा ही कॉल स्टार्ट भी हो रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हो आज मुझे ये सब पूरा का पूरा चेंज करवाना है, जो कि देख सकते हो पुराना भी हो चुका है और ये तो थोड़ा बहुत फाट भी चुके हैं, सो इसको भी थोड़ा बहुत नया लगवाना है। सो फिलहाल अभी मैं यहाँ से निकलने के लिए रेडी हूँ, फाइनली बाइक का आज नंबर आ रहे हैं तो जाके फटाफट से लगा लेते हैं। और मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से बुर्तुक वाले रास्ते से, क्योंकि अभी है कॉलेज का टाइम, और कॉलेज का टाइम आप लोगों को पता ही होगा, ऐसा ही शाही शाही करते हुए निकल जाएंगे सीधा बाईपास की ओर, और दो तीन ऐसा ही दर्शन होगा ना सो दिन बन जाता है। अभी फिलहाल यहाँ से मैं निकलने के लिए रेडी हूँ, सो निकलते हैं सीधा और आपसे मिलेंगे, सीधा जाके गैराज में मिलेंगे। इसका मौसम देख सकते हो कितना ही प्यारा हो रखा है। सो गाइस फाइनल मैं पहुँच चुका हूँ यहाँ पर, क्या बोलते ये जगह नाम क्यों बोलते बाईपास, सो बाईपास पर पहुँच चुका हूँ, और देख सकते हो अपना बाइक यहाँ पर खड़ी कर दिए, और देख सकते हो गाइस फाइनली अपना नंबर देख सकते हो WB72Q1017, देख सकते हो फाइनली मेरा नंबर प्लेट आगे और पीछे का दोनों ही आ चुका है। फिलहाल इसको सेट करते हैं। फाइनली गाइस आज हमारा बाइक का नंबर आ चुके हैं, ये खोलूँ ना तब एक आदर खोलू पड़े ये पन्नी से, तो अभी हम लोग यहाँ पर पन्नी उतार रहे हैं। ओहो हो, आज के बाद कोई डर नहीं, बाइक का डॉक्यूमेंट सब ओके है, और इसी नंबर की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम था वो भी आज से सॉल्व हो जाएगा। और ये मेरे तरफ से आप लोगों को एक सीख है, अगर आप लोग भी आने वाले दिन में गाड़ी खरीदते हो, बाइक खरीदते हो और ऐसा ही स्कूटी वगैरह खरीदते हो, तो इस तरीके का नंबर हो तो थोड़ा बहुत ऐसा ही समझ के क्या बोलते हैं लेना बाइक वगैरह, क्योंकि ओरिजिनल नंबर में ना ये सब चाहिए होता है, ये देख सकते हैं स्टिकर और ये ING लिखा होता है, ये चाहिए होता है, ये नहीं होता ना, सो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकता है आप लोगों को। इसलिए अभी फ़िलहाल अपना बाइक का नंबर आ चुका है, सो अभी फ़िलहाल फटाफट से यहाँ पर नंबर फिट करते हैं। ओ ला ला सही, ठीक है थोड़ा अगर टाइम मिला तो वहाँ पर ही जाए तो। सो ये है हमारा पीछे वाले का नंबर, आ हा हा हा, अब थोड़ा बहुत ही नया भी दिखेगा बाइक भी। ओए लसो लसो गाइस फाइनली हमारा बाइक का नंबर आ चुका है, याहू ये है। तो गाइस अभी मैं यहाँ पर स्टिकर वगैरह भी करवाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं मेरा थोड़ा बहुत प्रयास हो चुका है, देख सकते हो मैंने ना ये हैंडल के लिए ये कवर चूज़ कर रहा था, लेकिन ये थोड़ा बहुत ही ऐसा यहाँ पर देख सकते हो छोटा जो हो रहा है, ये साइज़ में नहीं आ रहा है, ये थोड़ा बहुत लंबा है ना इसीलिए। और देख सकते हैं बाकी हमने यहाँ पर क्या बोलते हैं ये बैटरी खोल के चार्ज पे लगाया हुआ है, और यहाँ पर देख सकते हैं एयर फिल्टर हमने ये भी यहाँ पर खोल दिया, पूरा का पूरा एयर फिल्टर से पानी निकल के आ गए थे, देख सकते हो पूरा का पूरा कीचड़ हो रखा है। हम लोग ऐसा ही बाइक काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हैं, बाइक शार्पते हैं अपने साला, देखो यहाँ नीचे कीचड़ जमा रखा है, अभी ये सब पूरा का पूरा काम चल रहा है यहाँ पर, देख सकते हो हमने लगा दिए ये हैंडल कवर भी, और यहाँ पर देख सकते हो थोड़ा सा ये छोटा वाला था ना, देख सकते हो यहाँ पर साइड पे निकल रहा है, और यहाँ पर हमने थोड़ा बहुत जुगाड़ कर दिया है, बाकी अभी इसका बैटरी लगना बाकी है और तब तो सही है। और नंबर प्लेट भी लग चुका है आगे से भी और पीछे से भी, देख सकते हो पीछे से काफ़ी सही लग रहा है। ओहो हो, और बाकी अभी मुझे यहाँ पर काम खत्म होने के बाद में मुझे जाना है मामा घर। मामा घर मैं किसको बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा मेरा एक बाइक का ना डॉक्यूमेंट्स पुलिस ले गई है, इसीलिए मामा मैं वही कह रहा था। सो अभी मामा घर भी जाना है, फिलहाल यहाँ पर बाइक का काम खत्म करते हैं और सीधा जाके अपना डॉक्यूमेंट्स भी आज रिसीव करना है,
से थोड़ा बहुत ही, आज इतना ही है मेरा काम फिलहाल। अभी यहाँ पर बैटरी लगना बाकी और उसके बाद में निकलते हैं हम लोग। यहाँ पर स्टिकर वगैरह भी थोड़ा बहुत करवाना था लेकिन हो नहीं रहा, क्योंकि यहाँ पर यहीं पर सामने की दुकान है लेकिन अभी इसके लिए नहीं हो रहा। और मैं यहाँ आगे भी लगवाने के लिए सोच रहा था और यहाँ पर तो पड़ा पड़ा ये अंधेरा छा जाएगा। वैसे भी ये लाइट काफ़ी ज़्यादा धीमी है और उसके ऊपर से मैं स्टिकर कर दूँ तो और क्या बोलते हैं धीम हो जाएगा ये, इसीलिए अभी इसको भी ऐसा ही छोड़ देते और इसको भी ऐसा ही छोड़ देते। आने वाले दिन में धीरे धीरे करते जाएंगे। अभी सो अभी मैं आ गया था नीचे वाली साइड पे, यहाँ पर ऐसा ही थोड़ा बहुत ऐसा ही ऐसा करने के लिए थोड़ा बहुत दिक्कत है, इसीलिए आके यहीं पर छोड़ना पड़ता है। देख सकते हो खुले आम, वहाँ पर जाके मैंने निपटा दिया काम। फिलहाल देख सकते हैं मेरा डॉक्यूमेंट का छोटा सा पर्ची यहाँ पर है, ये पर्ची नहीं होना तो मेरे डॉक्यूमेंट्स निकलने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकता है। सो अभी ये मेरे पास है, अभी जाके सरदार थाना में जाके मुझे डॉक्यूमेंट्स निकालना है। बाकी फिलहाल यहाँ से मौसम चेक करेगा, इस मौसम नहीं व्यू चेक करो, काफ़ी प्यारा प्यारा व्यू दिखता है। सही है, अभी फिलहाल अपना बैटरी चार्ज हो रहा है, उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट्स सीधा लेके चलते हैं सीधा सरदार थाना, और उसके बाद में जाके थोड़ा बहुत 500 रुपये कटवाना है। थोड़ा बहुत ऐसा ही प्रोसेस लंबा है, जाना है पुलिस को दिखाना है, उसके बाद में इसके ऊपर से क्या कुछ लिख देगा और इसको लेके जाना पड़ता है बैंक में, जाके सिक्किम बैंक में जाके ऐसा ही 500 रुपये बुझा कर फिर आना है, फिर थाना जाना है, और थाना जाने के बाद में अपना डॉक्यूमेंट्स हाथ पे आएगा। सो अभी इतना ज़्यादा ऐसा ही प्रोसेस है। देखो अभी अपना बैटरी फुल पावर चार्ज, अभी अपना बैटरी फुल पावर चार्ज होके भी अभी लगने जा रहे हैं। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूं सरदार थाना और बाइक मैंने यहां पर पार्क कर दिया, और जो नंबर आने के बाद में चलाने का कॉन्फिडेंस है ना भाई साहब, और भी बढ़ जाता है भाई साहब। इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है कि मैं ऐसा ही पुलिस के सामने ही ऐसा ही सामने से निकल रहा हूँ, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। पहले तो ऐसा ही थोड़ा बहुत छुप छुप के चलना पड़ता था, अभी फिलहाल देखो इसके वजह थोड़ा बहुत ग्रिप भी अच्छा हो रहा है और फिलहाल सही है। मुझे मेरे पास पर्ची है, पर्ची लेके जाना है और फिलहाल अपना डॉक्यूमेंट का काम ख़त्म करते हैं, निकाल के आते हैं और उसके बाद तो ऐसे ऐसा मज़ा ही मज़ा। चलो अभी नंबर निकालने चलते हैं अपने मामा वाले घर में, देखो बियर कटवाना है 500 रुपये का यहाँ सिक्किम बैंक से। सो भाई लोग फाइनली भाई ने बाइक का डॉक्यूमेंट्स निकाल लिया है, अभी मैंने पीछे पे बैग पे लगा दिया, बैग के मतलब ये जैकेट वाले जैकेट के साइड पे लगा दिया। अभी फिलहाल सीधा निकलते हैं यहाँ से रूम, आज के लिए पूरा काम समाप्त हो चुका है, काफ़ी अच्छा लगा, काम पूरा का पूरा हो चुका है, नंबर भी आ चुका है, डॉक्यूमेंट्स भी निकाल लिए, अब कोई डर नहीं। सो दोस्तों मुझे जाना था रूम और रूम ना जाके मैं सीधा आया चांदबाड़ी, क्योंकि यहाँ पर आके थोड़ा बहुत जिम कर लेते ऐसा मैंने सोच लिया, और अभी 2 बज रहे दिन के, जाके जिम करते उससे पहले थोड़ा बहुत सुबह से कुछ भी खाया हुआ नहीं ना, इसीलिए भूख लग रहा है, खाना खाते हैं थोड़ा सा और खाना दिखाता हूँ आप लोगों को यहाँ पर। और मैं अभी खाना ये क्या क्या है मैं अभी सब कुछ हम लोग किस तरह से बोलते हैं वही मैं बताऊँगा आप लोगों को। सही है, किस तरह से हम लोग नेचर ऐसा ही व्लॉग में दूसरे बोलते हैं और नेचुरल हम लोग किस तरह से बोलते हैं यहाँ पर दिखाता हूँ। यो तो हम लोग भात, सेमी, अंडा, सिकलियांसर, और यहाँ पर है प्याज, और ये काकरा को अचार, अनि आलू, उसके बाद नहीं अनि चाहिए मोई। अब मस्त से खाते हैं, ये कच्चा अंडा मैं इसलिए खा रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत बनाने के लिए आलसी भी लग रहा था, और वैसे भी मुझे ये पच जाता है इसीलिए मैं खाता हूँ। आप लोग बना के ही खाइएगा, ऐसा मत खाइएगा, मुझे ऐसा ही खाने के लिए अच्छा लगता है तो इसीलिए मैं कच्चा अंडे खाता हूँ। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ जिम और फटाफट से अपना वर्कआउट ख़त्म करते, और अभी देखो जिम में कोई भी नहीं है क्योंकि अभी दिन का टाइम है ना, इसीलिए कोई भी नहीं रहता। अगर रात के टाइम में आओ, शाम के टाइम में, यहाँ पर इतना सा रूम है, ऐसा ही लोग 30 से 35 लोग होते हैं यहाँ पर, इसीलिए दिन में ही आना बेस्ट है। सो गाइस जिम जाके वापस आके ना के अभी मैं निकल रहा था रूम की ओर, और अभी आ चुका हूँ मैं फेवरेट प्लेस में, फेवरेट भाई जगह में, और मैं यहाँ पर सोच रहा था कि आज मैंने बाइक पे क्या क्या काम करवाया वो एक एक आप लोगों को दिखा दिया जाए। सबसे पहले देख सकती हो ये वाला हैंडल का जो कवर है मैंने लगवाया है, और अंदर से मैंने बैटरी भी चार्ज किए, और उसके ऊपर से क्या बोलते हैं वो एयर फिल्टर वगैरह भी साफ की, और उसके बाद में आज का सबसे बड़ा काम था ये वाला नंबर जो चेंज करना था। नंबर चेंज हो चुका है दोस्तों, फाइनली नंबर चेंज हो चुका है हमारा। WB तो वैसे WB ही आएगा, लेकिन जो भी हो अभी कोई डर नहीं, अभी मैं जब चाहूँ जहाँ चाहूँ जैसे चाहूँ जिस तरह से चाहूँ निकल सकता हूँ, और मुझे अभी कोई रोक नहीं सकता, मुझे कोई ऊपर वाले भी रोक नहीं सकता, शायद ही ऊपर वाला रोक ले कोई बात नहीं। अभी मैं निकल रहा था रूम की ओर, आने वाले दिन में हम लोग मस्त मस्त ऐसे ही रोड ट्रिप ऐसा ही ट्रैवल वगैरह भी प्लान कर रहे हैं। आप लोग देखते रहना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, मैं थोड़ा बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ऐसा ही मैं मेहनतीलो वाला बंदा हूँ, आप लोग ऐसा ही मुझे भी सपोर्ट करिए। किस चीज़ का तार है ये? ओए डांस डांस डांस, आज तो नंबर आ गया रे, नंबर आ चुका है गाइस, शो, यस यस यस।
सो आजकल ऐसा ही थोड़ा बहुत ट्रैवल करने का मौसम शुरू हो चुका है, क्योंकि अभी बारिश नहीं होगा ना, इसीलिए थोड़ा बहुत ट्रैवल करना बनता है। हम लोग ऐसा ही नॉर्थ सिक्किम के लिए सोच रहे हैं, नॉर्थ सिक्किम राइड हम लोग जल्द ही करने वाले हैं। और शायद ही जितने लोग ये व्लॉग देख रहे हैं, अगर आपके पास भी बाइक है तो ऐसा ही कॉन्टेक्ट करना, हम लोग साथ में मिल के घूमने के लिए जाएंगे नॉर्थ सिक्किम, और उसके बाद में दार्जिलिंग भी हमने सोच रखा है। देखते हो तो आने वाले वक्त बताएगा, हम लोग तो ऐसा ही प्लान करेंगे, जो भी होगा ऊपर वाले की मर्जी होगा। सो दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं रूम, और रूम आते ही ऐसे ही कपड़े वगैरह चेंज कर लिया मैंने, जींस अभी ऊपर तो कुछ लगाया हुआ नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। और अभी दो तीन बातें आप लोगों से करना है। क्या है कि आप लोगों को पता होगा, दो तीन दिन पहले मैंने ऐसा ही ऑडिशन दी थी, वो ऑडिशन के बारे में क्या हो रहा है, वो लोग क्या बता रहे थे कि ज़रूरत हो तो वो लोग कॉल कर देगा और ज़रूरत नहीं हो तो वो लोग कॉल नहीं करेगा। सो ऑडिशन का बात यहाँ पर क्लियर। और हमारा अभी हम लोग रूम ढूंढ रहे थे, आप लोगों को पता होगा रूम भी मिल चुका था, लेकिन अभी दोस्त लोग क्या बोल रहे थे कि अभी कुछ ऐसा ही रूम शिफ्ट होने का ऐसे बात ही नहीं कर रहे हैं, और इसीलिए हम लोग इसी रूम पे हैं, और रूम का बात भी क्लियर, बाकी फ़िलहाल सब कुछ ठीक है। और आज से बाइक का नंबर भी आ चुका है, और हाँ जी मेरा अभी इंस्टाग्राम पे 6000 फॉलोवर्स हो चुके हैं, और आप लोग इंस्टाग्राम पे भी फॉलो नहीं किया होती, इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी ऐसा ही मैं मस्त से रील वील बना के अपलोड करता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए 10,000 फॉलोवर्स, जो कि मैं कम टाइम में 10,000 फॉलोवर्स करवाना चाहता हूँ। अगर आप उन्हें फॉलो नहीं किए तो जाके प्लीज़ फॉलो करिएगा, और यूट्यूब पर भी ऐसा ही सपोर्ट प्यार और बनाए रखना। और नेक्स्ट व्लॉग कहाँ का होगा हमारा, ऐसा ही मैं शायद ही रामपुर भी जाऊँगा, क्योंकि मेरा यहाँ पर जो दांत के ब्रेसेस के काम के लिए भी जाना है मुझे, अदरवाइज़ हम लोग यहाँ से रुमतेक भी जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा ही जाके मंदिर दर्शन ऐसा ही वॉन्ग हो रहे हैं, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। और नेक्स्ट व्लॉग जो भी आएगा, जैसा भी आएगा, आप लोग देखना, सपोर्ट करना अपने भाई को। फिलहाल मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करूँगा, और अपना ख्याल रखियो, आप लोग कुछ मत होना, क्योंकि आप लोग अगर मर गए तो मेरा वीडियो कौन देखेगा, उसके साथ साथ लाइक भी कौन करेगा। सो अभी फिलहाल अब तो जिंदा हो ना, इसीलिए लाइक कर दो, और